गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक है, सब कुछ मस्त चल रहा है? और उठ गए हो, सो के ना मुंह धुल लो कम से कम। हाँ, अभी कुछ तो सो रहे हैं, उठे ही नहीं है। बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, 150 बच्चे लगभग आए हैं बस। मतलब और कहाँ गए भाई, सब सो रहे हैं क्या? मोशन, मोशन सुनकर के क्या याद आया? वो मोशन नहीं, गति के मोशन, जैसे हम लोग चल आगे पीछे हो रहे हैं, ये मोशन। आज यही तो चलने वाला आपकी है ना। सभी बच्चे के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ जल्दी से कमेंट करके कि क्या आपको कोई इशू आ रहा है वीडियो में? कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब कुछ मस्त है, ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। बच्चे के कमेंट, रीसू तिवारी जी बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है, हाय गुड मॉर्निंग। विपिन जी गुड मॉर्निंग। मोहम्मद तारिक, नाब्या सलोनी और आर्मी लवर, मुकेश, श्वेता सिंह, पंकज मिश्रा, रवि, रोशन, मोहम्मद जावेद, सत्यम कुशवाहा, सभी का कमेंट आ रहा, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आप सभी तैयार हो, जल्दी से बोलो हाँ यस रेडी। सभी रेडी हो ना? जो सो रहे हैं उनको भी पानी वानी डाल दो, उनके खोपड़ी पे उठ जाए वो भी, और फिर आ जाओ जल्दी से, शुरू करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फिजिक्स, आज शुरू हो रहा पहला चैप्टर, फिजिक्स पहला चैप्टर। क्योंकि केमिस्ट्री में एक चैप्टर और बचा है, 3 चैप्टर पढ़ लियो, अब आज पढ़ोगे फिजिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर हो जाने चाहिए, और ये बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, इंटरेस्टेड है। वैसे बड़ा बोरिंग लग रहा था फिजिक्स में जो भी आप लोग पढ़ रहे थे ना, क्योंकि उसमें थोड़ा भी मज़ा नहीं थी। इसमें बहुत मज़ा आने वाली है, अभी देखो तो कितना मज़ा आएगी। यहाँ पे ये देख रहे हो, साइकिलिंग किए हो कि नहीं? कौन कौन किया बताओ? हाँ, कौन कौन साइकिलिंग किया है आप लोगों में से बताइए। इसको सिस्टम को मैं थोड़ा सा चार्जिंग में, हाँ ठीक हो गया, चलो। ये सब क्या है? ये सब मोशन है, गति है, ये जो देख रहे हो आप मोशन है, ये देख रहे हो खतरनाक आदमी कितना भारी सा, ये क्या है? मोशन है। गुड मॉर्निंग अनुराग, गुड मॉर्निंग चचा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चचा, गुड मॉर्निंग भाई। चचा एक आए हैं, देखो उनका नाम चचा से आ रहा है। चलो ये देखो, ये क्या है? ये मोशन है। अभी हम बात करेंगे, पहले आप इनको थोड़ा देखिए, आधा मिनट आप देखिए, फिर हम अभी बात करेंगे टॉपिक पे। मुख्य जो दिखा रहा हूँ फालतू नहीं, ये भी मोशन का एग्जाम्पल है, गति का उदाहरण है। गति कई प्रकार की होती है, बहुत तरह की गतियां होती हैं, और आज उनका निचोड़ हम लोग समझने वाले हैं। अक्सर हम लोग ये सब देखते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं है कि ये क्या है ना? नहीं सोचते ना कभी आप लोग? सोचते हो? हाँ बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल टेक्स के नीचे ही, ठीक है, ओके ओके। ये क्या है? झरने से पानी गिर, झरने से पानी गिर रहा है। आप लोग मुझे बताओ क्या कुछ समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा बहुत कुछ रुको मैं पूरा दिखाता हूँ, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, एक मिनट भाई सेट। अब हुआ ना? ये सभी क्या है? गति के उदाहरण है। किसके? गति के, मोशन के। आगे देखो, ये भी क्या है? एक प्रकार का मोशन है। तो देख रहे हो क्या है? एक प्रकार का मोशन है। रस्सी कूदना भी क्या है? एक प्रकार की गति। तो गतियां कई प्रकार की होती हैं, बहुत प्रकार के मोशन होते हैं। अभी आप देखते जाओ, फिर हम बात करते हैं टॉपिक की, ठीक है? ओके पंकज यादव, कमेंट आ रहा बच्चा, हाय। आइटम चाचा, गुड मॉर्निंग। ऐसा सा नाम रख लेते हैं, ये पता नहीं कहाँ पा जाते हैं, आइटम चाचा इनका नाम है। आगे देखिए, नेक्स्ट, ये भारी सी ट्रेन, इंडियन रेलवे, देखे हो ना? कौन कौन ट्रेन में बैठा आज तक बताओ?
आप में से कोई कभी रेलवे की यात्रा किया है कि नहीं? अक्सर बच्चे किए होंगे, अब तो सब नए जमाने के मॉडर्न बच्चे हैं, हम लोग हुआ करते थे पहले, आप लोगों के 9th तक ये समझ लो कक्षा 12 तक ट्रेन में नहीं बैठे, बस देखते थे हाँ ट्रेन जा रही, बस वो भी देखने को कब मिली थी, शायद कक्षा 11 में, उसके पहले नहीं देखा था, ट्रेन भी नहीं देखा था, मतलब किताब कापी में देखा था, रियल में नहीं देखा। बहुत खुशी हुई, सबसे बताया आज मैंने ट्रेन देखा, आज मैंने ट्रेन देखाई थी। तो ये देख रहे हो, ये सभी क्या है, मोशन के एग्जांपल हैं, गति के उदाहरण है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार की गतियां हैं। ये क्या है, अलग अलग प्रकार की गतियां हैं। जो बच्चे एनसीईआरटी बुक लिए हैं जल्दी से अपनी बुक ओपन करें, ये एनसीईआरटी किताब में पेज नंबर 108 है, कौन सा है 108, राहुल यादव, पंकज, किरण सिंह, ठीक है, सभी का कमेंट आ रहा है, सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। तो ये तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिखाए मोशन के, देखो ये कितना खतरनाक दिख रहा है, क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? तो एक चीज सीख ये मिलती है, अभी अभी मैं एक नई बात बताऊं, अभी ताजी ताजी, कि मैं सुबह सो के उठ, सॉरी यार सोने की बात थोड़े से कर, वैसे तो मैं सोया ही नहीं, कल भी नहीं सोया था, सुबह जब आपकी क्लास 6 बजे होती है तो हम लेटते ही नहीं पूरा रात भर, रीजन है कि अगर लेट गए ना तो सो के 6 बजे के पहले नहीं उठेंगे, अगर तो फिर क्लास छूट जाएगी, फिर आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए पढ़ाने के बाद ही सो। तो सुनो पहले, लगभग 4 बजे सप्लाई का पानी आ जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, रात में पानी नहीं आता रहता, उन हरामखोरों को पता है कि रात में पानी नहीं आता है, फिर भी टोटी खोल देंगे, वह जैसे 4 बजे पानी आएगा बहता शुरू हो जाएगा और वो सो के उठेंगे 10 बजे, तब तक पानी बहेगा। अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो लोगों को जागरूक करें, हाँ पहले समझाएं, ना माने तो लती आएं, समझ रहे हो ना, पानी बहुत कीमती, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही नुकसानदायक है, और पीने का पानी धरती पर बहुत कम मात्रा में बचा, बाकी बाढ़ आ जाएगी, डूब जाओगे, मर जाओगे, लेकिन पीने वाला पानी कम है ना, समझो। ये सारे फिगर आप देख लिए, समझ लिए, अब चलते हैं हम चैप्टर पे, मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, गति में ध्यान दीजिए, समझिए। घनेश्वर गुड मॉर्निंग, मुन्नालाल वर्मा गुड मॉर्निंग, सोनू प्रजापति गुड मॉर्निंग, बच्चा गुड मॉर्निंग। चलो देखो, ये जो चैप्टर है गति वाला, इसमें हम लोग इतना पढ़ेंगे, कितना देखो इधर से समझते चलो, एक एक सबसे ऊपर से आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, नंबर एक पूरी और विस्थापन, हाँ सबसे पहला इसमें देखो, इसको मैंने 6 पार्ट में बांटा है, ये आपके 6 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म होगा, मतलब एक हफ्ते में आपका मोशन खत्म हो जाएगा भैया, मोशन का मतलब गति से है यहाँ पर, हाँ। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, देख रहे हो स्क्रीन पर कि नहीं, कुल मिला के 6 लेक्चर चलेंगे इस पे, इसमें सब हो जाएगा, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ फाइनल 6 लेक्चर में। फर्स्ट डे में हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे औसत वेग और औसत चाल, यानी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे त्वरण और उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल, यानी एक्सेलरेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल, और चौथे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दूरी और वेग का ग्राफ, यानी डिस्टेंस एंड वेलोसिटी का जो ग्राफ है उसे समझेंगे चौथे लेक्चर। पांचवें लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गति का समीकरण का निगमन करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हाँ मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है ये गति का समीकरण, आप आगे कोई भी पढ़ाई करोगे तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, यानी ग्राफिक डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम लोग पांचवें लेक्चर में पढ़ेंगे, और ग्राफ पर आधारित न्यूमेरिकल, ग्राफ बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग लास्ट डे करेंगे, और उस दिन गति के चैप्टर का समापन कर देंगे, है ना बच्चा। सत्यम कुशवाहा, ये हिंदी में ही तो लिखा है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में तो लिखा है, तुम्हें दिख ना रहा है का, हाँ ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है ना, नहीं तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में है इंग्लिश में है कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, सबके लिए है। तो अभी ये बताओ मुझे जल्दी से कमेंट करके, क्या आप एनसीईआरटी का जो साइंस का बुक है लिए हो कि नहीं, चाहे हिंदी में है या इंग्लिश में है, किसी भी लैंग्वेज में है, लिए हो या नहीं लिए हो, बताओ
जल्दी से सभी थम्स अप करो एक बार यार, ऐसे मजा नहीं आती, इतना कम बच्चे लाइक क्यों, मैंने तो सब कुछ किया भाई जो जो करना चाहिए, आप क्यों नहीं लाइक कर रहे हो, जल्दी से लाइक करो फटाफट, चलो लाइक नहीं करते फिर आपका नाम भी नहीं बोलते, फिर कहते मेरा नाम नहीं ले। आदर्श मौर्य भाई देखो बातचीत ना करो, चलो सुनो अब हम लोग बात करते हैं, इसको फिगर को हटा देते हैं यहाँ से, सही रहेगा ना, और विस्थापन साइड में रख दें, नहीं रहने दो, लगा रहने दो अच्छा लगेगा। हाँ क्लियर, चलो तो बच्चों क्या करना है, हमें सबसे पहले पढ़ना है दूरी और विस्थापन, पहले सुनिए इसमें सिर्फ कहानी सुनना है, कहानी ध्यान से सुनिएगा ठीक है, बिल्कुल भी बिना किसी लापरवाही के आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा जो मैं सुनाने चल रहा हूँ। देखिए हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें देखते हैं जो कि गति करती है, बोलो देखे हो कि नहीं, बहुत सारी चीजें हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं जो गति करती है, जैसे देखिए हम चल रहे हैं ये इधर से इधर को, ये भी क्या कर रहे हैं, हम गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये गति कर रहे हैं, ये क्या है मोशन है, वो मोशन नहीं दूसरा वाला, ये जो हम लोग चल रहे हैं ये क्या है मोशन है। और आपने देखा होगा घर में पंखे, पंखे लगे होते हैं छत में, वो भी चलते हैं, वो भी क्या है मोशन, पानी बह रहा है वो भी क्या है गति है कर रहा है भाई, एक प्रकार की गति कर रहा है, गति बहुत प्रकार की होती है, सुनो पहले सब अलग अलग क्षेत्र में। आपने देखा होगा कभी बस में बैठे हो कि नहीं, बैठे हो ना बस पे बैठे हो या किसी भी बंद गाड़ी में बैठे हो, खुले में तो नहीं बोलेंगे, अगर आप शीशे से झांक रहे हो आपको ऐसा लगता है कि सड़क के किनारे खड़े पेड़ पौधे पीछे को भाग रहे हैं, डिवाइडर उवाइडर पीछे को भाग रहा है, रास्ते में जो भैंस गाय मिल जाती है वो पीछे को बहुत तेज भाग रही, ऐसा हुआ है कि नहीं बताओ, कभी हुआ है ऐसा अनुभव, यानी बस में आप बैठे हो आपको ऐसा लग रहा है कि बस को छोड़ के बाकी सब कुछ गति कर रहा है, सब पीछे को जा रहा है, और लेकिन बस के किनारे खड़ा हुआ एक बंदा उसे क्या लगेगा, सॉरी बस नहीं सड़क के किनारे, मान लो सड़क के किनारे कोई एक गाय चरा रहा है, तो जो गाय चरा रहा है उसे ये लगेगा कि ये बस आगे जा रही भाग रही, उसमें जो आदमी बैठे वो भी आगे को गए सब, लेकिन बस में बैठे हुए को लगेगा कि ये गाय वाला और गाय सब पीछे को भाग रही, ये सब क्या गति है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है, बताइए, पहले अपनी किताब खोल लो पेज नंबर 108, उसके बाद हम इसमें जो भी टॉपिक है जो भी इसमें सिस्टम से दिया है उसी के आधार पर चलेंगे, जिससे कि हमारी बातें टॉपिक से दूर ना जाए, मतलब जो आपके सिलेबस में है हम उसी में रहें। आपने पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा, हाँ चिड़िया उड़ते देखे हो, ऐसे ऐसे बाज, छोटे छोटे चिड़िया, बड़ी बड़ी चिड़िया, मोर, कई तरह के पक्षियाँ होते हैं, कुछ तो लंबी दूरी उड़ते हैं कुछ थोड़े उड़ते हैं, जैसे मुर्गी, हाँ तो तुम लोग खा लेते हो, सुबह सुबह तो मुर्गियाँ देखो बहुत ज़्यादा नहीं उड़ पाती हैं, थोड़ा उड़ती हैं, किंग कुकड़ों करके इधर से उधर कूद गई बस हो गया, लेकिन वही गौरैया को देख लो तो 10 कोस चली जाती है। ये सब क्या है, ये सब गति के एग्जांपल हैं अलग अलग टाइप, अभी मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए बहुत समझने वाली चीज है, बच्चा अगर कहानी समझ गए परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे, सब लिख सकते हो, लेकिन रट के कुछ नहीं होने वाला है। रामू पटेल बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो बस, गुड मॉर्निंग नहीं है सिर्फ पढ़ाई, बहुत गुड मॉर्निंग हो गई, तुम बहुत जल्दी आ भी रहे हो, मम्मी चार गाली दी होंगी तो तुम उठे होगे, गाली का मतलब वही जो बोलते हैं, अरे उठ जा, अरे उठ जा, सेवा काहे को पड़ा है 10 बजे तक, जा यहीं। तो आगे देखे डिस्टर्ब ना किया करो भाई, आगे और क्या होता है, मछलियां तैरती हैं, मछली का तैरना भी आप लोग देखे होंगे, रक्त वाहिकाएं भी गति करती हैं, हमारे शरीर में भी खून दौड़ रहा है, आपके शरीर में भी दौड़ रहा है, और देखो ये जो दो देर देर में उठ रहा है, इनके में पानी दौड़ रहा है, हाँ ये जग ही नहीं पा रहे हैं सुबह,
नहीं जग पाते हो तो मत सोया करो, बैठे रहा करो हमारे जैसे। देखो हम भी नहीं जग पाते हैं, हम भी आप ही के जैसे हैं, लेकिन हम सोते ही नहीं रात में। हमें लगता है कि सुबह कोई इम्पोर्टेंट काम करना है 6 बजे या 5 बजे, तो उस दिन हम लेटते ही नहीं। नहीं लेटेंगे तो आज हम सबसे पहले उठे, लेट गए तो फिर सबसे बाद में उठे, समझ रहे हो ना। चलिए टॉपिक पे और आगे। इसके अलावा आपने देखा होगा ग्रह वो भी गति करते हैं। सूर्य चंद्रमा देखे हो कि नहीं? अगर आप कभी गौर करो, सूर्य निकलते देखे हो ना सभी आप? देखो सुबह के टाइम में सूर्य हमारे घर के सामने की तरफ निकलता है। अब पता नहीं आपके घर के सामने निकलता है, पिछवाड़े निकलता है, किधर निकलता है, पहले ये बताओ। हमारे घर जो हमारा गांव में घर है, सुबह के टाइम सूर्य जो है वो सामने की तरफ से ही निकलते हुए सूर्य देवता आते हैं, और शाम के टाइम वो पिछवाड़े चले जाते हैं। क्या देखा आपने? सूर्य गति कर रहा है क्या? सूर्य एक जगह निकला था सुबह, लेकिन दूसरी जगह शाम को दिखा, इसका मतलब क्या है? ये धरती घूम गई बच्चा, सूर्य नहीं घूमा। धरती क्या करती है? गति करती है, लेकिन इसकी गति मालूम नहीं चलती है। अभी और भी सुनते जाओ पहले, फिर बात करेंगे। आपने देखा होगा जब हम बस या ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर बाहर ना झांकें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो अगल बगल लोग खड़े हैं वो सब स्थित है, मतलब कोई गति नहीं कर रहा है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? आप किसी बस या ट्रेन में सफर कर रहे हो, अगर आप खिड़की से नहीं झांक रहे हो तो ऐसा लगता है कि आप क्या हैं? स्थिर हैं। सभी लोग खड़े हैं बस में, बस तो चली नहीं रही। हाँ होता है ना ऐसा? सत्यम बच्चा पढ़ाई कर लो, नहीं तुमको तो ब्लॉक कर देंगे। हाँ समझ रहे हो ना, कोई किसी का नाम लेके कमेंट ना करो, चुपचाप पढ़ाई कर लो, नहीं फालतू का कमेंट ना आया तो ब्लॉक कर देंगे तुरंत। ना प्या इन लोगों को ब्लॉक करो तो भाई, देखो तो ये सब बिना मतलब का कमेंट किए जा रहे हैं। लोगों को ब्लॉक करिए, जो किसी का नाम लेके कमेंट करे उसे तुरंत ब्लॉक। चलिए आगे देखिए। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा, कई तरह की गतियां होती हैं। अब अपनी बुक में चलो पढ़ो, पहले किताब की कहानी समझ लीजिए। कहानी समझ लेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि आज हमें समझना है गति कितने प्रकार की होती है, गति किसे कहते हैं, और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये भी सीखें। समझिए अणु परमाणु हो गया, तारे, ग्रह के बारे में मैंने बताया कि गति करते हैं, ये भी एक प्रकार की गति है। देखिए हर प्रकार की गति अपने में खास है, अलग अलग है। मैंने ऐसे किया क्या, हाथ भी क्या कर रहा, मेरा गति करता है लेकिन अलग तरह है, कुछ समझ रहे हो? आपकी मोबाइल में जो वीडियो देख रहे हो नीचे एक टेक्स्ट चल रहा है ऐसे, वेलकम टू पीपीआर स्टडी, वो भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वो भी क्या है, गति कर रहा है। आगे देखिए। हवा, हवा चल रही है, कैसे पता चलता है बताओ? हवा चल रही है कि नहीं चल रही, कैसे पता चलता है? अगर हमें लग रही है हवा तो ठीक है, हम जान जाएंगे कि हवा चल रही है। लेकिन आप ये गैस करो कि आप किसी कमरे में हो, कमरा बंद है और कमरे पे कांच की खिड़कियां लगी हैं, खिड़कियां बंद हैं, अंदर में हवा नहीं आ सकती, बाहर का पूरा दृश्य आप देख सकते हो, तो क्या आप ये बता सकते हो बाहर हवा चल रही कि नहीं? एक बार फिर से सुनिए, आप किसी कमरे में हैं, कमरे में कांच की खिड़कियां लगी हैं, खिड़कियां बिल्कुल साफ हैं, एकदम अच्छा फर्स्ट क्लास जैसे बोले तो दिख रहा है, बाहर का सारा दृश्य दिख रहा है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली दौड़ रहे हैं, तो ये बताओ कि बाहर हवा चल रही कि नहीं चल रही, इसको कैसे देखोगे, कैसे जानोगे? गीता जितेंद्र इतने मंद बुद्धि ना, तो कितनों बता दो, मैंने कहा कि तुम कमरे में हो, कमरा तुम्हारा बंद है, तो तुम्हें हवा कहाँ लगेगी, महसूस कैसे होगा? देखो महसूस करना तो तब कर पाओगे जब आप खुले में हो तब ना। ऐसी स्थिति में हम ऐसे पता कर सकते हैं कि हवा चल रही है, यदि सामने कोई पेड़ है, वो पेड़ हिल रहा है, बोलो है ना, तो इसका मतलब हवा चल रही है। अब ये नहीं कि उस पर बंदर आया, कूद रहा है तो हिल रहा है तो हवा चल रही है, नहीं,
पेड़ होगा तो एक नहीं होगा, एक आध होंगे अगल बगल, हिलेगा तो सब हिलेगा, या धूल उड़ रही होगी, धूल उड़ रही होगी, अगर तेज से हवा चल रही, कोई इंसान खड़ा है उसका बाल उड़ रहा होगा, कान वान उड़ रहा होगा, तब भी जान जाओगे। यानी कहने का ये मतलब है कि चल तो हवा रही है, लेकिन हवा चल रही कि नहीं चल रही इसका अनुमान हम फूल मिट्टी और पेड़ों की शाखाओं पौधों के माध्यम से कर रहे हैं कि चल रही कि नहीं। हवा डायरेक्ट तो दिख नहीं रही कि हाँ जा रही, वो उधर को जा रही, पकड़ लाओ, है ना, सही बता रहे ना। ये समझने वाला चैप्टर है, गति इसका नाम है मोशन। तो इसे अगर आप प्यार से समझोगे तो सब कुछ इसमें समझ में आएगा, और अगर वैसे इधर ही उधर करोगे तो फिर नहीं होने वाला। हाँ, ये समझिए, समझिए इसको, बहुत ही समझने वाला चीज है। आलोक मिश्रा गुड मॉर्निंग बच्चा, लेकिन बहुत देर में आए हो आप लोग। क्लास को लाइक करो यार, ऐसे मजा नहीं आ रही, देखो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सभी जितने भी हमारे साथी हैं वो सेशन को लाइक जरूर करें, तुरंत लाइक करें, देर ना करें। जितना भी इसमें टॉपिक है आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आज हम पहला टॉपिक लिए हैं दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी सुनिए, हम सिर्फ समझा रहे हैं, लिखना नहीं है। पीडीएफ दे देंगे पीवीआर स्टडी का टेलीग्राम चैनल पे, पीवीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दे देंगे, लिखना नहीं किसी। चलो आगे सुनते जाइए। ये हो गया, इसके अलावा तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हो, यात्रा कर रहे हो, कभी आपने ऐसा अनुभव किया है, आप बाइक से या साइकिल से जा रहे हो या किसी बस या कार से ही जा रहे हो, आपने कभी सड़क देखा है चलते समय? मतलब गाड़ी तेज स्पीड में हो और आप सड़क पे देख रहे हो, देखा है? बोलो कौन कौन देखा है? मैंने भी देखा। ऐसा लगता है कि वो सड़क बहुत तेजी के साथ पीछे को भाग रही, खूब तेजी के साथ, अगर गाड़ी आपकी स्पीड में है, ऐसा होता है ना? नहीं देखे हो तो कभी जाना, अगर कार से या बस से तो एक आध बार झांक के देख लेना, लेकिन सावधानी से कि बगल से कोई गाड़ी ना आ रही हो, खाली जगह रहेगी तब, वो भी राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। सड़क का नियम होता है कि अगर आगे कोई गाड़ी जा रही तो पास करना है तो आप दाहिनी तरफ से पास करेंगे, बाईं तरफ से नहीं। लगता है ना कि सड़क पीछे को भाग रही बहुत तेजी के साथ, ये क्या है? ये भी एक प्रकार की गति है, ये भी क्या है? एक प्रकार की गति। अभी सुनते जाइए और कितनी प्रकार की गतियां हैं। दूरी आपने सुना है, दूरी भाई दूरी क्या होती, कैसे निकालते हैं बताइए। आगे सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं अब। गति का वर्णन पेज नंबर 109 क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि हम किसी वस्तु की को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझ। माना कि किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। देखिए इधर साइड में समझिए, माना कि एक क्या है, देखो इसमें पहले आप डायरेक्शन समझ, फिगर में जो डायरेक्शन होता है बच्चा वो ऊपर होता नॉर्थ, नीचे साउथ होता है, और उत्तर के दाहिनी तरफ होता है इधर वेस्ट। ये इसका आपका मानचित्र है, यहाँ से समझना, यहाँ पे क्या एक स्कूल है, समझना क्या कह रहा है। कह रहा कि एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। एक स्कूल रेलवे स्टेशन से, ये मान लो रेलवे स्टेशन है, क्या है? रेलवे स्टेशन है, तो इससे क्या है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर इधर दिशा में है, ये 2 किलोमीटर मान लीजिए उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया। इस स्कूल में रेलवे स्टेशन क्या है, निर्देशित बिंदु है। क्या है भैया? निर्देश बिंदु है। जैसे आप वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हो, निर्देशांक,
पढ़े हो ना, निर्देशांक पढ़े हो कि नहीं आप लोग? भाई ये बहुत आसान है मैथ वालों के लिए। तो ये देखो, इसमें किसी भी दूरी को हम कहाँ से नापते हैं? ये मूल बिंदु से नापते थे ना, और जिनसे, तो वैसे ही जैसे आप ऐसे सुनो कि मान लो आप कोई वस्तु ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, या किसी को अपने घर का एड्रेस देते हो जो कि आपके घर के गांव के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो आपने सुना होगा वहां पूछा जाता है लैंडमार्क प्लेस क्या है। सुने हो कि नहीं? लैंडमार्क मतलब ऐतिहासिक स्थल है कोई वहां पे अगल बगल। ऐतिहासिक स्थल का मतलब कोई बड़ी चीज, मतलब नामी चीज। कहने का मतलब जैसे कोई स्कूल हो, हाँ, कोई कंपनी हो, कोई हॉस्पिटल हो, या कोई फैक्ट्री, मतलब वही कंपनी फैक्ट्री तो एक हो गया, या कोई बड़ा सा कुछ अलग प्रकार का मकान हो, मतलब समझ रहे हो ना। तो लोग क्या करते हैं, उसको बता देते हैं कि हाँ भाई हम फलाने जगह रहते हैं, फलाने हॉस्पिटल के बगल में रहते हैं, वहां से बाई तरफ कोई मकान छोड़ के, हाँ हमारा जो स्कूल है मोतीलाल नेहरू के जस्ट, मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल के जस्ट बगल में है। तो स्कूल का तो बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन हॉस्पिटल के बारे में लोग जानते थे, तो स्कूल के बारे में जान गए। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार की हम लोग दूरी नापने की विधि है, ये जटिल विधि है, दूरी भी पढ़ रहे हैं हम लोग ना इसमें। अभी और आगे समझते चलो, ये कहानी हम समझा रहे हैं आपको, इसमें से आपको अगर कहानी समझ में आ गई ना तो आप काफ़ी कुछ खुद ही समझ जाएंगे। बाकी पढ़ने वाली चीज़ें भी हम आपको करवा देंगे, लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि आपको कहानी समझना बहुत ज़रूरी, कहानी समझना ज़रूरी। अब हम बात करेंगे विस्थापन की, ठीक है। दूरी तो आप समझ गए, दूरी का मतलब यही होता है। देखो वैसे दूरी अकेले में कुछ नहीं होती है, कहीं भी दूरी निकालने के लिए हमें कोई एक निर्देशित बिंदु जरूर लेना पड़ता है, ठीक है। कहीं भी दूरी निकालने के लिए कोई एक निर्देशित बिंदु जरूर लेना पड़ता है, तभी आप दूरी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए प्रयागराज से दिल्ली की दूरी कितनी, प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से दिल्ली की दूरी कितनी है, तो भैया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में कोई एक प्लेस डिसाइड किया जाएगा। वैसे जहां तक हमें लगता है कि किसी भी जिले का जो केंद्र बिंदु होता है वहीं से दूरी नापी जाती है कहीं की, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कहा जाए अब इलाहाबाद और प्रतापगढ़, तो भैया दोनों बगल बगल सटे हुए जिले। अब मान लो कि यहाँ तक चचा ये इलाहाबाद की सीमा है, यहाँ प्रतापगढ़ के बीच में 1-1 किलोमीटर का गैप है, तो आप ऐसे कह दो कि नहीं इलाहाबाद से प्रतापगढ़ की दूरी मात्र 1 किलोमीटर, तो जो यहाँ बॉर्डर पे है उसके लिए तो 1 किलोमीटर क्या 100 मीटर भी हो सकती है। लेकिन जो एक्चुअल दूरी होती है वो केंद्र से नापी जाती है। मान लो प्रयागराज का केंद्र जो है सिविल लाइन में है, यहाँ है, प्रतापगढ़ का भैया घंटाघर में यहाँ है, तो ये दूरी नापते हैं एक्चुअल में, ये नहीं नापते हैं कि पड़ोसी घर से पड़ोसी वाला, समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो। दीपू बच्चा इतनी जल्दी काहे को जा रहा है, ना जल्दी कहाँ से लग रहा है स्कूल तुम्हारा, सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे, हाँ चलो आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे विस्थापन, दूरी आप समझ गए, गति भी आप समझ गए कि नहीं। गति के बारे में मैंने आपको दिखाया, आप समझ गए कि गति एक्चुअली में होती क्या है, भले बता ना पाओ किसी से लेकिन आप समझ गए गति क्या होती है ना। पंखा चल रहा है वो क्या है, गति है। पानी बह रहा है क्या है, गति है। आप दौड़ रहे हो, गति है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे पीछे घूम घाम रहा हूँ, ये क्या है, गति है। दूरी क्या है, दूरी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब एक इसमें इंटरेस्टेड है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। शिवम कुमार बेटा तुम ये इतना सारा इमोजी काहे भेज रहे हो भाई, हाँ इमोजी लगा लगा के ना भेजो, आप लोग अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। हाँ एक इमोजी लगा दो ठीक है, 20 ही लगा रहे हो, फिर अभी ब्लॉक कर दिए जाओगे तो फिर रोना। मिल जाएगा पीडीएफ, डोंट वरी, मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, बस इकट्ठे सब मिल जाएगा, यू डोंट वरी। चलो सुनो क्या है आगे, हाँ अब हम समझने वाले हैं विस्थापन। अगर आप अपनी किताब लिए एनसीईआरटी तो किताब में ही देख लो, ऐसे एक लाइन खींच लीजिए आप लोग, ऐसे लाइन खींच गई है, मैं इसमें आपको विस्थापन समझा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए,
इसमें देखिए पांच पांच गिनती के गैप पे नंबर लिख लीजिए जीरो, हाँ ये पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस, ऐसे नंबर लिख लो सभी जल्दी जल्दी फटाफट, हाँ फिर पैंतीस चालीस ऐसे डाट डाट लिख लो, यहाँ पे ये हो गया साठ, यहाँ पर ये हो गया पैंसठ। आप समझना, यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिसका नाम B है, हा? और 25 जो है इस पे क्या है C, और 60 पे कोई बिंदु है A। विस्थापन समझना मैं बता रहा हूँ अच्छे से, किसी को कोई समस्या है तो बता दो, नहीं ना। सुजीत कुमार देखो बच्चा बहुत ध्यान से समझो, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जरा देखो समझो। एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीर को, देखो पहला चैप्टर का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ना, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो दूरी और विस्थापन, सॉरी ये पहला चैप्टर नहीं पहला टॉपिक है इसमें का, ये छह टॉपिक में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, छह टॉपिक में ये छह आपको स्क्रीन पे सब दिख रहा है ना। चले आगे बढ़े, चलो आप समझो, इधर साइड में आ जाओ। देखिए कोई एक व्यक्ति, आपके इसमें बुक में भी दिया गया है, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है ऐसा है ये, हाँ निकल गया चलने, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ज्यादा कमेंट कर रहा ना उसी का इमोजी है। अब ये बंदा क्या करता है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, इसकी टोटल जो दूरी है वो 65 किलोमीटर है, कितनी है सॉरी 60 किलोमीटर, वहां से यहाँ 65 है, मैंने बना लिया 65 किलोमीटर है। जरा यहाँ से समझो, अगर ये बंदा जो यहाँ ऊपर ताक रहा है बैठा है पता नहीं क्या लगा के, अगर ये यहाँ बिंदु ओ से, कहाँ से बिंदु ओ से अगर ये सी तक आता है तो बताओ मुझे कितना दूरी तय करेगा, सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर ये बंदा ओ से सी तक आता है तो कितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करता है, तो ये 25 किलोमीटर है लिखा है ना, यानी उसने यहाँ तक क्या किया 25 किलोमीटर दूरी तय किया, दूरी कितना हुई 25 किलोमीटर, विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन भी 25 किलोमीटर हुआ। लेकिन याद रहे दूरी और विस्थापन हमेशा बराबर नहीं होते हर स्थिति में, अभी ध्यान देना मैं समझा रहा हूँ कैसे नहीं होता, सुनो समझो। जैसे मान लो कि आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो आपकी दूरी भी 5 किलोमीटर हुई, विस्थापन भी 5 किलोमीटर हुआ। लेकिन शाम को आप स्कूल से घर आ गए तो बेटा आपका जो दूरी था, आपने जो दूरी तय किया वो तो 10 किलोमीटर किया, क्योंकि आप 5 गए थे 5 आए, लेकिन विस्थापन शून्य हो गया। क्यों शून्य हो गया, क्योंकि आप जहां से गए थे वहीं फिर आ गए। विस्थापन का मतलब ये होता है कि यहां से चलने वाला बंदा या फिर यहां से चलने वाला ऑब्जेक्ट वो रुका कहाँ है, जहां पे रुका है वही विस्थापन होता है। अगर ये पटुआ जो है ना, ये यहां से चल के यहां तक गया, यहां पे नाराज हो गया फिर लौट आया यहीं पे, तो क्या हुआ, दूरी जो डिस्टेंस इसने तय किया वो तो 25 किलोमीटर इधर जाने में किया, 25 आने में किया, 50 किलोमीटर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया क्योंकि ये फिर लौट आया। बोलो सभी को समझ में आया कि नहीं, आया ना समझ में बच्चा, तो थोड़ा सा और समझो। अब मान लो एक दिन ज्यादा जोश आ गया, नहीं चलो आज मैं दौड़ लगाऊंगा, आज मुझे वजन हल्का करना है, आज मैं दौड़ लगाऊंगा, और ये 25 किलोमीटर की बजाय क्या किया, यहां से निकला और ये यहां तक चला आया, ये 60 तक रोको ए तक, ठीक यहां तक ए तक। अब समझना कि छोटू क्या किया, ओ से चल के ए तक चला गया, मतलब ये 60 किलोमीटर की दूरी तय किया, कितना 60 किलोमीटर की दूरी तय किया, तब इसकी डिस्टेंस कितना हुई, अब ये डिस्टेंस 25 नहीं 60 हो गई, यहां तक ही आया। विस्थापन कितना हुआ 60 किलोमीटर, दोनों बराबर है दूरी और विस्थापन। लेकिन फिर से समझो भाई, यहां से यहां तक ये गया था, दौड़ने गया था, वहां कोई गर्लफ्रेंड से मिलने तो गया नहीं था, तो क्या किया, कहां तक आया, दौड़ के फिर यहां आ गया,
मतलब लौट आया दौड़ने गया था, दूरी कितना हुई भाई? 60 गया था तो 60 यहाँ, यहाँ जब रुका था यहाँ पे तब तो उसकी दूरी और विस्थापन दोनों 60-60 था, बराबर था। लेकिन जब वो लौट के यहीं पे फिर आ गया तो उसकी जो दूरी थी डिस्टेंस वो कितना हो गई भाई? 60 गया 60 आया 120 हो गई, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ? जीरो हो गया। कितना हो गया? जीरो हो गया। और इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से क्या, दूरी और विस्थापन कभी भी बराबर, ओ सॉरी कभी भी नहीं, प्रत्येक स्थिति में बराबर नहीं होते। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना ये पूछा भी जा सकता है कि क्या दूरी और विस्थापन हमेशा बराबर होते हैं? नहीं, हमेशा बराबर नहीं होते, लेकिन बराबर हो सकते हैं। अभी समझ गए ना? तो जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। देखो यार, आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते, मजा नहीं आती है। 100 लाइक अभी तक नहीं हुआ, अभी भी 10 कम है, कम से कम 100 लाइक तो पूरा करो ना, इतना देर हो गया। चलो ना, तो आज पानी पीते पीते बीत गया, एक बाल्टी पानी पिए। तो ये क्या था? विस्थापन। समझ गए ना आप लोग? और मुझे लगता है कि आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ भी गए, आज खत्म भी हो गया ये। क्यों, समझ गए कि नहीं? एक बार मैं उन तस्वीरों को फिर से दिखाना चाहूंगा और फिर आपकी क्लास खत्म होगी। देखो बच्चा, ये चैप्टर है आपके जो हमें पढ़ना है और पढ़ाना है।